यूं तो डॉग्स को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। बड़े वफादार और मासूम से नजर आने वाले इन डॉग्स को देखकर आप इन्हें प्यार करने के लिए उतावले हो सकते हैं। मगर खबरदार, जिन डॉग्स को आप प्यारा समझ रहे हैं, दरअसल इनमें से कुछ ब्रीड्स इतनी खतरनाक और हिंसक है कि अगर आपके पीछे पड़ गई तो दिन में तारे दिखा देगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी तरह की 12 मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड्स के बारे में, जिनका गुस्सा, जिनका बाइट फोर्स, जिनकी ताकत और जिनका संकीपन आपकी जान भी ले सकता है और जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में, बस आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। नंबर 12, केन कॉर्सो। इटली में पाया जाने वाला ये डॉग सूरत से ही शैतान का मामा लगता है। आप खुद देख लीजिए, जितनी भयानक इसकी सूरत है उतनी ही भयानक इसकी सीरत भी है, यानी इसका बिहेवियर भी बहुत अग्रेसिव है और फिर ताकत में भी ये बाकी सारे डॉग्स का बाप है। इनका बाइट फोर्स होता है करीब 700 PSI। ये डॉग तो किसी को भी कुछ ही मिनटों में चीर फाड़ सकता है और इसलिए ये एक परफेक्ट गार्ड डॉग और एक कमाल का हंटिंग पार्टनर है। नंबर 11, टोसा इनू। एक और खतरनाक लड़ाकू डॉग आता है जापान से। कुत्तों की ये ब्रीड कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बहुत से देशों ने तो इस ब्रीड के डॉग्स को पालने पर बैन लगा दिया है। डॉग की ये नस्ल दरअसल खूनी खेल के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इसलिए ये बहुत हिंसक और घातक होते हैं। इन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता था कि ये लड़ाई के वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं करते थे। तो अब आप ही सोचिए, अगर आपके आसपास टोसा हो और बिना किसी चेतावनी के आप पर हमला कर दे तो आपका क्या होगा। अब इतने हिंसक हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें पालतू बनाना बच्चों का काम तो है नहीं, और फिर ये दिन में कई किलो मांस आराम से खा जाते हैं जो मालिक की जेब पर बहुत भारी पड़ता है। नंबर 10, पेरो दे प्रेसा कैनारियो। इस डॉग को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके बड़े बड़े कान अपनी नस्ल की कहानी चीख चीख कर बता देते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेंजरस डॉग्स होते हैं जो दूसरे कुत्तों के साथ साथ इंसानों पर भी हमला कर बैठते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा इंसानी जाने लेने में ये डॉग चौथे नंबर पर है। इसका बाइट फोर्स भी 500 PSI से ज्यादा है जो इसे और डेंजरस बनाता है। कैनरी आइलैंड से ताल्लुक रखने वाले ये कुत्ते इतने खतरनाक और खूंखार होते हैं कि इनकी खरीद बिक्री और इन्हें पालना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में तो बिल्कुल ही बैन है। इन कुत्तों को 18वीं सदी से पहले तक फाइटिंग डॉग्स की तरह ट्रेन किया जाता था। इन्हें शिकार करने और दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार किया जाता था, इसी वजह से इनका नेचर बहुत अग्रेसिव होता है। नंबर 9, फिला ब्राजीलेरो। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली ये डॉग ब्रीड जैसा कि दिख ही रहा है बहुत खतरनाक और अग्रेसिव होती है। ऊंची तगड़ी हाइट और मस्कुलर बॉडी वाला ये डॉग अपनी कमाल की ट्रैकिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये बहुत बढ़िया हंटिंग पार्टनर्स भी होते हैं। शिकार को घेरने, उसे रोक कर रखने और जरूरत पड़े तो उस पर सीधा हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। इनके अग्रेसिव बिहेवियर के चलते कभी कभी इन्हें गार्ड डॉग्स की तरह भी रखा जाता है। हाँ, मगर इन्हें सोशल बनाने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। नंबर 8, तिब्बतन मास्टिफ। तिब्बतन मास्टिफ के शरीर पर इतने घने बाल होने के कारण एक झलक में तो बड़ा ही अडोरेबल नजर आता है, मगर जैसा हम अभी देख ही चुके हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये डॉग बिल्कुल भी प्लेफुल नहीं है। इसका अग्रेशन इसे एक बहुत बढ़िया गार्ड डॉग बनाता है। ये हमेशा ही सीरियस होते हैं और कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं। साइज तो बड़ी है ही और भाई साहब बहुत बड़े 30 मार खान भी है। ये 6 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक जबरीला कुत्ता 6 फीट की हाइट से आप पर कूदेगा तो आपका क्या हाल करेगा। नंबर 7, अलास्कन मैलाम्यूट। इस डॉग को नॉर्मली तो अग्रेसिव नहीं माना जाता और इनके मालिक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये बड़े सोशल और लोगों से जल्दी घुलने मिलने वाले प्राणी है, मगर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और अगर इनकी एनर्जी किसी सही और प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाई गई तो ये लोगों के लिए तूफान खड़ा करने में देरी नहीं लगाते। ये तब बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं जब इन्हें फील होता है कि इनका ओनर इन्हें निग्लेक्ट कर रहा है। मतलब इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को हर समय अटेंशन चाहिए होती है, वरना आपकी तो खैर नहीं। सच में इस डॉग से तो एनर्जी ड्रिंक्स का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहिए। नंबर 6, बुली कुत्ता। बुली कुत्ता तो अपना पड़ोसी ही है।
इस कुत्ते को पाकिस्तानी मास्टर कहा जाता है। एंशियंट टाइम्स में इन कुत्तों को शिकार के लिए ट्रेन किया जाता था। ये गजब के शिकारी कुत्ते होते हैं और हिरण और जंगली सुअरों के शिकार में तो बड़े लाजवाब होते हैं। अब पाकिस्तानियों के शौक भी तो निराले ही होते हैं। इनके एग्रेसिव नेचर और बड़े भारी साइज के चलते इन्हें फाइटिंग डॉग्स की तरह ट्रेन किया जाता है और इन्हें अब भी इलीगल डॉग फाइट्स में यूज किया जाता है। 40 इंच ऊंचा और 80 किलो के आसपास के वजन का ये विशालकाय कुत्ता किसी भी एंगल से प्यारा और प्लेफुल नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तो इसे कहा जाता है बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट। कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि ये डॉग्स अपने मास्टर के हाथ से निकलकर दूसरे लोगों या कुत्तों पर अटैक कर देते हैं। यार जाने ये कुत्ते हैं या खिसियानी बिल्ली जो किसी को भी काट खाने को तैयार रहते हैं। नंबर 5, पिटबुल्स। ये तो देखने में ही खतरनाक लग रहा है। दरअसल पुराने समय में इन्हें पिट यानी गड्ढे टाइप के मैदान में लड़ाई के लिए उतारा जाता था, तभी से इनका नाम पिटबुल पड़ा। अमेरिका में आज तक सबसे ज्यादा मौतें इसी कुत्ते के काटने से हुई है। ये कुत्ता सचमुच बहुत ही खूंखार और खतरनाक होता है और इंसानों पर हमला करना इसे पसंद है। वैसे अगर इन्हें ठीक से ट्रेन किया जाए तो ये बड़े ही पीसफुल और प्लेफुल हो सकते हैं, मगर ये डॉग्स किसी गलत ओनर के हत्थे चढ़ गए जो इन्हें अग्रेसिव और बुरा बिहेव करने की ट्रेनिंग देता हो तो बस यूं समझ लीजिए शैतान ने कुत्ते का रूप ले लिया है। फिर ये किसी को नहीं बख्शते। इनका गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए तो लोग इन्हें दूसरों का नुकसान पहुंचाने के इरादे से पालते हैं और गलत तरीके से ट्रेन करते हैं। इसलिए अगर आप इस डॉग से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। नंबर 4, रॉटविलर। इनके नेचर में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर सवाल उठाया जा सके। हाँ, मगर ये अपने ओनर और उसकी फैमिली के प्रोटेक्शन को लेकर इतने ज्यादा पॉसेसिव होते हैं कि काम बिहेवियर और अग्रेसिव बिहेवियर की सीमा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल ही फियरलेस और कॉन्फिडेंट डॉग की ये ब्रीड उस सभी के लिए बहुत खतरनाक और जानलेवा है जो इनके मास्टर की फैमिली को नुकसान पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं। इन शॉर्ट ये बहुत ही पोजेसिव और लॉयल डॉग्स होते हैं। 328 PSI की बाइट फोर्स वाला ये कुत्ता जब काटता है तो खाल के साथ साथ हड्डियां तक चबा जाता है। इनके दांत बाकी सारी कुत्तों की नस्लों में सबसे ज्यादा मजबूत और नुकीले होते हैं। एक बार ये किसी चीज को अपने दांतों से पकड़ ले तो लटक जाएगा मगर छोड़ेगा नहीं। इनकी वजह से अमेरिका में कई लोगों की जान जा चुकी है, मगर फिर भी इनके प्रति लोगों का प्यार और इन्हें पालने का चलन कम नहीं हुआ है। नंबर 3, जर्मन शेपर्ड्स। ये डॉग तो नाम से ही नवाबी ठाट वाला लगता है। ये डॉग तो पैदा ही पुलिस में भर्ती होने के लिए हुआ है। पुलिस की केनाइन फोर्स में इस डॉग की एक स्पेशल इमेज है। अब पुलिस वाला है तो खतरनाक तो होगा ही। ये डॉग्स इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं और साथ ही मस्कुलर बॉडी के मालिक ये डॉग्स बड़े फुर्तीले और चुस्त भी होते हैं। और अगर इन्हें किसी क्राइम सीन या ऐसी किसी बुरी जगह पर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही डेंजरस और हिंसक हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हर किसी के लिए आफत का सबब बन जाते हैं। इनका बाइट फोर्स करीब 238 PSI होता है, यानी ये इंसान की हड्डी को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। लोग ऐसे ही नहीं कहते, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। नंबर 2, डॉबरमैन पिंशर। 28 इंच ऊंचे और 45 किलो के ये भारी भरकम डॉग दिखने में ही बड़े डेंजरस होते हैं। इनमें कमाल की ताकत होती है और ये आसानी से काबू में आने वाली चीज नहीं है, इसलिए इनकी भरपूर ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी मानी जाती है। इसलिए अगर आप इस ऊंचे तगड़े मुस्टंडे डॉग को पालतू बनाना चाहते हैं तो पहले आपको इसकी ट्रेनिंग पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं मगर कभी कभी इनके डोमिनेंट नेचर की वजह से इन्हें ट्रेन करना मुश्किल हो जाता है और फिर ये मुश्किल बाकी सभी के लिए आफत बन जाती है। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं। उनके खिलाफ जरा सी हरकत से एक्साइटेड हो जाते हैं और सामने वाले पर हमला कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 डेंजरस डॉग की, जिससे डरने की सख्त जरूरत है। नंबर 1, कंगाल। भाई साहब, इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर पीछे पड़ गया तो सांसों से ही कंगाल कर देगा। वैसे ये टर्किश कुत्ता कंगाल नाम के एरिया से आता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। ये कुत्ता एक बहुत ही बढ़िया पहरेदार है जिसे इस एरिया के लोग अपनी जमीन, अपने जानवर और अपनी नावों की रक्षा करने के लिए पालते थे। इनकी साइज तो देखिए जरा, ये वोल्फ से लेकर अच्छे अच्छे जंगली जानवरों को धूल चटा सकते हैं, तो फिर इंसान की तो क्या ही औकात। इनका बाइट फोर्स होता है करीब 743
CPSI यानी एक शेर से भी ज्यादा और चीता से तो डेढ़ गुना ज्यादा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो एक बार इनके जबड़े में फंस गया उसका क्या हाल होगा। इनकी साइज बुली कुत्ता से तो छोटी होती है मगर बुली कुत्ता को भी हराने की पूरी काबिलियत रखता है कंगाल। ये डॉग अनडाउटेडली दुनिया का सबसे खतरनाक और भयंकर कुत्ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मोस्ट डेंजरस डॉग्स की इस लिस्ट में आपको सबसे खौफनाक और भयानक डॉग कौन सा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।